स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। बच्चों, आपके लिए आज एक नया सवाल है, एक नए तरह का सवाल है जिसमें कि आपको ये पूछा गया है कि दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम चतुर्भुज के बारे में ही बात करेंगे कि दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप पढ़ तो रहे हैं नृसिंह ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब पूछ लिया गया आपसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये थोड़ा कुछ उल्टा सा हो गया। तो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहीं पूछा गया है तो आप लोग उसको त्रिभुज में विभक्त करना है। आप ध्यान से देखिए, जो एक सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है, आप लोग सवाल को मतलब आपको गौर से दिखा दूं ताकि आपको ये क्लियर समझ आ जाए। तो बच्चों देखिए, सवाल लिखा गया है कि दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसके शीर्ष है ए बी सी और डी, निर्देशांक है ए के -5, 7, बी के -4, -5, सी के -1, -6 और डी के 4 और 5। तो आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब निर्देशांक ज्यामिति में आप तो निकाल रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इस चतुर्भुज को हमें लिख करना है त्रिभुज में विभक्त करना है। अब देखिए डी और बी को मिलाने पर, अब देखेंगे जब हमने बी और डी को मिलाया तो हमारे पास दो त्रिभुज आ गए, ए बी डी और बी सी डी। तो इन दो त्रिभुज का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे, जब निकल जाएगा तो दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, तो यहां पर आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा दिए गए चित्र में बी व डी को मिलाने पर, ठीक है, पर दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी के लिए, त्रिभुज ए बी डी के लिए आपको देखेंगे क्या भाई, आप देखिए त्रिभुज ए बी डी के लिए बिंदु ए, जो ए शीर्ष से हो जाएगा -5 और ये 7, इसको हम मान लेंगे x1 और y1, ठीक है। इसी ढंग से आपका बी जो पॉइंट है वो है आपका -4, -5, इसको मान लेंगे x2 और ये y2, और इस प्रकार डी पॉइंट हो जाएगा 4 और ये 5, इसको मान लेंगे x3 और y3। ये आपके पास इन इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब आपने क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2, फॉर्मूला पर लिख देता हूं, x1 x1 into y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 और प्लस x3 y1 minus y2, ये फॉर्मूला है। आपने इस फॉर्मूला में ये सारे मान रखने हैं, आप रखते जाइए मान, तो x1 की जगह आप रखोगे -5, y2 की जगह रखोगे -5, y3 की जगह रखोगे 5, x2 की जगह रखोगे -4, y3 की जगह रखोगे 5 और y1 की जगह रखोगे माइनस, तो पॉलिस है प्लस 7 है तो -7 हो जाएगा, x3 की जगह रखोगे 4, y1 की जगह रखोगे 7 और y2 की जगह रखोगे -5, तो -5 का ये प्लस हो जाएगा। इसको बस थोड़ा सॉल्व करना आगे, अब देखिए आप -5 -5 10 हो गया, -10 15 50, ये +50 हो जाएगा क्योंकि -(-) प्लस हो जाता है, 5 में से 2 हो गया -2, 5 में से 7 गया -2 और -2 × -4 आपका +8 हो गया, और ये 7 और 5 12, ठीक है, ये आप देखिए 7 + 12 हो गया, ठीक है, तो 12 × 48 आपका ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/2 × आप देख लीजिए ये 58 हो गया, अगर दिक्कत हो रही तो 58 + आप एक ढंग से अलग से कर लीजिए, ठीक है बच्चों, तो ये आपको हो जाएगा 58 होगा 5 और 10,
106, 108 काटिए, 2 5 10 और 2 3 6, ये आ गया आपका 53, यानी कि 53 वर्ग मात्रक, 53 वर्ग मात्रक, यानी कि इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया भाई, 53। अब इसी ढंग से आपने क्या करना है, बी सी डी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो जितना निकल जाएगा उसको इसमें जोड़ देना है, दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो बस वही सेम चीज हमने क्या करनी है, त्रिभुज बी सी डी के लिए भी लागू करनी, सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस होगा सेम, उसका जो क्षेत्रफल निकल जाएगा दोनों का आपस जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज बी सी डी के लिए क्या होता है। तो बच्चों आइए दूसरे त्रिभुज चलते हैं बी सी डी के लिए। तो आप देखिए त्रिभुज बी, सेम प्रोसेस है, कोई अलग सी बात नहीं है, पर सिर्फ इसमें जो ये आपके गुणांक है, कोफिशियंट्स है, वो चेंज है। आप देखिए त्रिभुज बी सी डी के लिए हमने लिखा हुआ, बी पॉइंट है -4 -5, एक्स वन वाई वन मान लिया, सी पॉइंट है -1 -6 जो कि यहाँ पर लिखे एक्स टू वाई टू मान लिया, और डी पॉइंट 4 5 है वो x3 y3 मान लिया, जो पहले हमने माना हुआ था। ठीक है, बस वही है, आधा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्र, यानी कि बी सी डी का क्षेत्र, फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक्स वन की जगह हम रखेंगे -4, वाई टू की जगह रखेंगे -6, वाई थ्री की जगह रखेंगे 5, एक्स टू की जगह रखेंगे -1। ठीक है बच्चों, y3 - y1 y3 5 - y1 -5, ये +5 हो जाएगा, x3 की जगह है 4, और y1 - y2 y1 - y2 -5 - 6 -5 और -5 का, ये प्लस हो जाएगा। बस इसको आगे सॉल्व करना है, 1/2, 6 और 5 11 -11 इंटू -4, तो ये आगे +44 हो जाएगा, 5 और 5 10 1 10 -10 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 और इंटू 4, ये +4 हो जाएगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए 4 में से 10 गया 6 -6 और 44 में से 6 गया 38 -38, तो ये 2 19 होगी 38, ये आपका क्या आ गया, 19 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक इस तरह से लिखिए, ये मात्रक क्या आ गया, स्क्वायर ना दीजिए, एक ही बात है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों आपने देखा, इस प्रकार से आप देखा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 53 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 19 वर्ग मात्रक निकला, तो इसलिए आप आगे क्या लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अब सिंपल है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र क्या जाएगा, सिंपल सी बात है, इस सवाल से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, वेरी सिंपल। तो बस हो गया, आगे हमारा काम बन गया। अब यहां पर ए बी डी का क्षेत्र आपने निकाला था पहले 53 और प्लस इसका निकला था आपने 19 यानी 19, तो ये आपका सही हो गया 9 3 12 और 5 1 6 1 7 72 वर्ग मात्र, यानी कि इस पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा भाई वो कितना निकलेगा, 72 वर्ग मात्र। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह के देखो, यहां पर तो चतुर्भुज था, हो सकता है कि आपके पास पंचभुज हो, अष्टभुज हो, तो उन सभी में आपने क्या करना, क्योंकि देखो पंचभुज अष्टभुज या चतुर्भुज का आपके पास डायरेक्ट कोई जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं है आपके पास निर्देशांक ज्यामिति में, आपके वाले कोर्स में, तो इसलिए आपने क्या करना है, उस प्रत्येक जो भी आकृति है उसको त्रिभुज में तोड़ना है, अलग अलग त्रिभुज क्योंकि आपस में ज्वाइन हो एक दूसरे साथ, और उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर उनको जोड़ देना है, वो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आपका निकल जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो दोस्ती साइज को आप शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप, जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है, देखो बेल आइकन ही ऊपर से जा रहा है, इसको भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि गुरुजी फॉर हाई स्टडी कोई नया वीडियो बनाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।